हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 14th एपिसोड ऑफ स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट। और आज का जो चर्चा का विषय है वो पिछले दो एपिसोड्स में मैंने रखा था, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मेजर साइन एंड सिंबल यानी संकेत क्या है कि आप आध्यात्मिक रूप से अग्रसर हो रहे हैं। ये सवाल हमारे एक प्रश्नकर्ता ने कोरा के स्पेस पर पूछा था और सवाल बहुत छोटा था बट उसका जवाब बहुत गहरा है, समझना बहुत गहरा है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अध्यात्म के प्रकाश के लिए पूर्वाग्रहों का निकास जरूरी है और पहले दो एपिसोड्स में इतिहास, सामाजिक पृष्ठभूमि और जड़ चेतन के बारे में और उसके साथ ही विभिन्न तरह के पूर्वाग्रह से जो हम ग्रसित हैं उसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया। इस एपिसोड में जो कि थर्ड एपिसोड है ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मेजर साइंस गोल्स के और अंतिम एपिसोड है इस प्रश्न के लिए, लेकिन इसके बाद भी इट इज ओपन, क्योंकि इसके बाद भी यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी के लिए कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा इसी क्वेश्चंस के सब क्वेश्चंस में, तो मैं फिर एक नई वीडियो लेके आपके पास में आऊंगा। तो इस वीडियो में अध्यात्म के ऊपर में ही चर्चा करूंगा कि मेजर आध्यात्मिक संकेत क्या है। अब जब व्यक्ति सांसारिक पूर्वग्रह से मुक्त हो गया है तो स्वयं ही उसमें अध्यात्म का प्रकाश जल उठता है। अब सबसे पहले मैं जो इसमें देना चाहूंगा, समझ को देना चाहूंगा कि हमारे अंदर में तमस गुण, रजस गुण और सत्व गुण, ये तीन गुण मौजूद होते हैं, रजस गुण, तमस गुण और सत्व गुण। ये जो सत्व गुण है ये सात्विक गुण है, ये हमें अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। रजस गुण जो होते हैं वो हमारे अंदर पैशन क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर इच्छाएं क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर वासनाएं क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर इस माया के साथ जुड़ने का सोच को निर्मित करते हैं। और जो तमस गुण होता है वो हिंसा की तरफ यानी किसी चीज को यानी जड़ता की तरफ जाता है। तो सबसे पहले अध्यात्म का जो पहला साइन एंड सिंबल जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि आप अपने आप को किस अवस्था में रख रहे हैं, तमस गुण में है या रजस गुण में है या सात्विक गुण में है। सात्विक गुण के व्यक्ति का व्यवहार शांत होगा, बाहरी चीजों के लिए मोह माया बहुत कम होगा, जीवन के लिए रिक्वायरमेंट भी कम होगा, खान पान व्यसन सब कम होगा और काफी लिमिटेड होगा। जो राजसिक है वो भी शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि राजसिक गुण होने पे ही यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप यदि अच्छे यूट्यूबर है तो यूट्यूब को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो रजस गुण है वो गुण आपको इस बात का फोकस देगा कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, आप अपने लाभ को बढ़ाएं, आप अपने पूंजी को बढ़ाएं, आप अपने बेनिफिट्स को बढ़ाएं, आपके अंदर एक पैशन क्रिएट करेगा। और कभी कभी जीवन जीने के लिए पैशन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। और तीसरा जो है वो तमस गुण है, जैसा तमस खाना खाने से, तमस चीजें देखने से, तमस लोगों के बीच बैठने से, तमस के संस्कार लेने से तमस गुण प्रबल हो जाता है, जिसमें हिंसा का मार्ग सबसे पहला ही हो जाता है। कोई भी चीज लेना तो हिंसा करके लेना, कुछ भी खाना है तो गाली गलौज करके ही खाना है। आप देखते होंगे कि किसी खाने के रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, कोई व्यक्ति बड़ी शांत होकर आता है, प्यार से बोलता है, खाना खाता है, पैसा चुका के चला जाता है, कोई आता है बहुत आवाज करते हुए आता है और पूरे रेस्टोरेंट में आवाज करता रहता है, खाना नहीं आएगा तो लड़ाई करता है, झोल झमेला करता है, और उसके बाद में खाना खाने के बाद उसे 10 तरीके के नुस्ख निकालते हैं, उसके बाद में चला जाता है। तो वहां पे जो तमो गुण है यानी तमस गुण है वो उसका प्रबल है। जिसका तमस गुण प्रबल है वो अध्यात्म से बहुत दूर है। ये स्केल समझ लीजिए आप, तमस, रजस और सात्विक। तो जैसा खान पान आप खाएंगे, जैसा आप अपने सेंसिंग ऑर्गन्स को जैसी चीजें देंगे
उस तरह के आप अध्यात्म के रास्ते में बढ़ते जाएंगे। और जो वाकई अभी आपका करंट में वास्तविक तौर पे जो आपका गुण है, सात्विक गुण है, शांत स्वभाव वाला सात्विक गुण है कि हिंसा का गुण है, ये तो आप स्वयं ही समझेंगे। और जब व्यक्ति ध्यान या मेडिटेशन में बैठता है तो वाकई वो यदि तमस गुण का भी है तो तमस गुण से धीरे धीरे उसके अंदर में चेंजमेंट आने लगती है, परिवर्तन आने लगता है और वो रजस रजस से वो सात्विक या तमस सीधा सात्विक की तरफ ही पहुंच जाता है। डाकू रत्नाकर की कहानी तो पुराणों में इसी तरह से लिखी गई है, मरा मरा को राम बोलने लग गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको मरा मरा को राम नहीं बोलना है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके स्वभाव कैसे हैं, आपके स्वभाव में क्या चीज की प्रधानता है। ये पहला संकेत है कि आप अध्यात्म की तरफ अग्रसर हैं या आध्यात्मिक रूप से आप चैतन्य की तरफ जा रहे हैं या जड़ता पर ही है। आपने प्राय देखा होगा या आपने नहीं देखा तो मैंने तो इन 15-20 वर्षों में ये महसूस किया कि जो लोगों को ही बुरे तरह के व्यसन है, जैसे शराब इत्यादि का बहुत व्यसन करना, धूम्रपान करना, लेट नाइट पार्टी करना, लेट नाइट खाना खाना, देर रात तक सोना, देर सुबह तक सोना और फिर उठना, और कभी भी 5 बजे की सुबह ना देख पाना, तो ऐसे लोग जो मैंने सारे तामसिक गुणों से युक्त होते हैं, इनके सामने यदि आप की बातें करेंगे तो ये इतने चिढ़ जाएंगे कि लगेगा ये मार देंगे। तो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, इनके सामने बीन बजाने की आवश्यकता नहीं है। जब इन्हें तकलीफ आएगी ये अपने आप ही तमस से रजस और रजस से सीधे सात्विक गुण में आएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है, सात्विक तमस और रजस, ये तीन गुणों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले। क्योंकि पूर्वाग्रह से यदि आप निकल चुके हैं तो इन चीजों पर ध्यान करिए कि आपका मन किस तरफ जा रहा है। खुद को समझने यानी खुद का दृष्टा बनना, ये इससे आप ध्यान पाएंगे कि आप अध्यात्म, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट के लिए बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो लोग बुरे व्यसन में रहते हैं उन्हें आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो जिम में चले जाएंगे, जिम में रजस गुण है, तमस है। लेकिन जो उसे योग और प्रणायाम करने के लिए बोलेंगे वो नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। उसके अंदर का जो जड़ता है वो उसे योग प्रणायाम कर लेगा तो वो बुरा व्यसन नहीं कर पाएगा। वो जानता है इस बात को भले भांति जानता है कि योग प्रणायाम यदि कर लेगा तो उसका जो रजस गुण है, उसका जो तमस गुण है वो समाप्त हो जाएगा, हिंसा का मार्ग छूट जाएगा। तो हिंसा की मात्रा कम होगी और सात्विक गुण में शांति, करुणा, प्रेम, ये चीजें ऐसी है ना, ये किसी व्यक्ति को तकलीफ में देख के आपको कैसा महसूस होता है, किसी व्यक्ति को तकलीफ में डाल के कैसा महसूस होता है, अपने छोटे स्वार्थ के लिए किसी आदमी के बड़े स्वार्थ की आहुति दे देना कैसा महसूस होता है। तो ये सारे तमस गुण के आज के जो उपभोक्तावादी जितने भी सोच वाले लोग हैं उनमें तमस गुण की तो प्रधानता है, रजस भी तो चला गया, तमस गुण की ही प्रधानता है। तो ये जो मेजर जो साइन में आपको बोलना चाहता था कि रजस तमस और सत्व गुण में आप ये महसूस कर लीजिए कि आप कौन से गुणों की प्रधानता आपके अंदर में है। आप चाहे तो इस चीज को थोड़ा बहुत अपने व्यवहार से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने फूड हैबिट से इसको थोड़ा बहुत तो चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ एक प्रकृति होती है, वो प्रकृति इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, उसको चेंज करने में काफी समय लग जाता है। तो सबसे पहला तो ये है कि इस चीज को देख लेना जरूरी है। दूसरा ये है कि जड़ से चेतन की तरफ यदि जाना है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, चाहे आप विवाहित हैं या अविवाहित, चाहे आप युवा हैं कि अधेड़ उम्र के या बूढ़े, एक जो है
वो इंसान को बहुत परेशान करता है, स्पेशली यंग एज में, और वो है सेक्स। यानी शारीरिक संबंध के लिए युवा वर्ग में एक अजीब सा आंदोलन रहता है, 15-16-17 साल के बाद तो अजीब सा आंदोलन आ जाता है। आज के समय में जिस तरह से फीमेल एक्ट्रेसेस मॉडल्स को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, परफ्यूम लगाया लड़की पड़ गई, बढ़िया पेस्ट्रीज खाया लड़की पड़ गई, तो जिस तरह से लड़कियों को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की वस्तु के रूप में मीडिया में, टेलीविजन में और विज्ञापनों में प्रदर्शित किया जाता है, उससे व्यक्ति के अंदर रजस गुण और बाद में तमस गुण की उत्पत्ति होती है। तो जैसी चीजें आप देखते हैं उसके उसका प्रभाव आपके शरीर पे, आपके पांच जो सेंसिंग ऑर्गन्स हैं उनके माध्यम से आपके शरीर पे, आपके तीनों सतहों पे, शरीर का जो तीन सतह है, जैसा कि मैंने पुराने अपने शक्तियों की वीडियो में बड़ी गहराई से शरीर के तीनों सतह के बारे में, पांचों कोशों के बारे में, सातों लेयर के बारे में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर देता हूं, कृपया इसे आप जरूर देख लेंगे। तो ये जो सारी चीजें आपके सामने आती हैं, ये सारी चीजें आपका डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। अध्यात्म यदि हो जाएगा तो पिज्जा हट और डोमिनोज यहां पे कौन जाएगा खाने के लिए? आपने क्या कभी देखा है दूध की दुकान के बाहर पर लाइन लगते हुए? दारू की दुकान के सामने तो लाइन लगते हुए मैंने डेली देखी, पर दूध की दुकान के आगे तो लाइन जल्दी लगता नहीं है। चाय की दुकान के आगे लगता है, चाय की चुस्की, तो चाय में तमसी है, कोई सात्विक खान पान नहीं है चाय कॉफी, ये भी सात्विक तामसिक ही है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये देखिए कि जो युवा वर्ग है जो शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहता है, लड़की है तो लड़के के साथ मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल, ये एक नेचुरल अर्जेस होता है, शारीरिक अर्जेस है। वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को, यानी मेल व्यक्ति को, पुरुष या युवा में 24 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी वेद इत्यादि जो भी शास्त्रार्थ है उसी पढ़ाई करनी चाहिए, जो विशेष पढ़ाई में उसकी रुचि हो उस हिसाब से करिकुलम बना दिया जाए और उस हिसाब से वो पढ़े, और 24 वर्ष बाद जब वो माता पिता से मिले एक पुरुष, एक पूर्ण पुरुष होके, उसके बाद में वो उसका उचित लड़की देख के उसका विवाह करा दिया जाए, और जो लड़की हो यानी जो फीमेल हो वह भी 16 साल या 18 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। इसके बाद में जो जोड़ी मिलता है वो जोड़ी से जो पुत्र पैदा होते हैं संस्कारी पुत्र पैदा होते हैं। तो ये तो एक वेद और वेद इत्यादियों में लिखा हुआ है, लोग अब नहीं मानते हैं, अभी तो एज बार अलग कर दिया गया है और लोगों में परिपक्वता बहुत पहले से ही आ जा रही है। यानी लोगों के अंदर में जो बचपना खत्म हो गया। हमारे समय में बचपन में लोग बचपना ही करते थे, अभी के बच्चे तो बचपना नहीं कर पाते क्योंकि मेंटल रूप में बहुत कुछ मिल जा रहा है बिना एक्सपीरियंस के एक्सप्लोर करने के लिए। तो भला अध्यात्म जैसी चीजें कहाँ मिलती हैं? अध्यात्म जैसी चीजें नहीं मिलती हैं। तो ये जो युवा वर्ग है जो हमेशा शारीरिक संबंध खोजने में लगा रहता है और इसी कारण बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और नाइटफॉल मास्टरबेशन, इस तरह की जो कहानियां किससे कहानियां चलती रहती हैं, तो ये सारी चीजें भी अध्यात्म के मार्ग में एक रुकावट ही है। क्योंकि वीर्य का स्खलन तो केवल परिवार बढ़ाने के लिए या सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए ही होना चाहिए। वीर्य का स्खलन केवल एक छोटे से आनंद के लिए तो नहीं होना चाहिए। तो
जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा वीर स्खलन जिस लेवल पे हर दिन हो रहा है, वो उतना जड़ की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। कुंडलिनी योग में वही वीर की ओजस को आप ऊपर की तरफ लेते हैं तो आप आनंद की प्राप्ति करते हैं, और वही वीर जब नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है तो आप जड़ता की तरफ जाते हैं। तो एक तरफ चेतनता है, एक तरफ जड़ता है। कितना सिंपल इसका स्केल है कि आप जड़ता की तरफ जा रहे हैं कि आप चेतनता की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य जो है, ऐसा भी ब्रह्मचर्य का पालन मत करिएगा जैसा मैंने गांधी जी का मैंने सुना था, वो विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते थे। क्योंकि ब्रह्मचर्य में सेक्सुअल डिजायर को रोकना वो एक छोटा सा हिस्सा है, 99% हिस्सा तो कुछ और ही है जो ब्रह्म के साथ में बिताने का जो प्रयास है वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म की तरह आचरण करने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ये जो वीर स्खलन है ये उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बट हाँ ये भी एक स्केल है, आध्यात्मिक स्केल है। ये आपने पूछा साइन और सिंबल क्या है, तो मैंने कहा हाँ भाई ये स्केल है, मेजर स्केल है। तो ये जो दो स्केल मैंने आपको बताया, एक रजस तमस और सतोगुण और दूसरा जो वीर्य स्खलन या फिर जो है आप वीर्य को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिंबल है कि आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में ही चक्कर लग रहा है। आप अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर घुसे भी हैं कि बाहर से ही केवल दूर से ही देख रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति है, जस्ट बाई ऑब्जर्विंग अ सी यू कैन नॉट स्विम ओवर एंड क्रॉस। केवल समुद्र को देख लेने से उसे पार करने का साहस आपके अंदर नहीं आ जाता, उसके लिए कर्म भी करने पड़ते। भगवान राम ने जब माता सीता को वापस लाने का प्रयास किया तो पहले तो समुद्र के आगे जैसा हमारी संस्कृति है हाथ जोड़े, लेकिन बाद में अपने प्रयासों से पूरा एक पुल ही बना डाला। तो कहने का यह मतलब है कि भाई यदि प्रयास होगा तो काम तो आगे बढ़ेगा ही, तो अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रयास तो लगेंगे ही। तो ये दो मेन टॉपिक जिसको मैं अध्यात्म में जोड़ना चाहता था कि अध्यात्म के लिए जरूरी है। तीसरे नंबर पे जो ध्यान है, जब आप ध्यान करते हैं तो किस तरह का आप महसूस करते हैं? यदि ध्यान के दौरान भी आपके अंदर में वही दुनिया भर की बातें चल रही हैं, उसी पे रिएक्शन चल रहा है, ये तो ऐसा एक जजिंग पॉइंट है जो स्वयं को जज करने के लिए इससे अच्छा तो कोई स्किल ही नहीं मिलेगा। आप ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान तो होता ही नहीं है, लेकिन दुनिया भर की बातों पे विचार आते रहते हैं और रिएक्शंस भी अंदर होते रहते हैं, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता रहता है, फलाने ने क्या कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, वो कह दिया, मुझे वो लेना है ये लेना है, इस तरह की बातों की श्रृंखला और विचारों का एक लहर चलता रहता है, उस पर आपका रिएक्शन भी होता रहता है। लेकिन बाहर के लोगों को आप देखते हैं कि आप उस पर बैठे हुए ध्यान पे बैठे, लेकिन वाकई आप ध्यान पे बैठे हैं क्या? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्केल है कि जब आप ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान की चीजें ही आपके माने ध्यान ही आपके लिए जो है ध्यानी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन तीन चीजों से, तीन मापक स्केल से आप ये तो जान ही सकते हैं कि अध्यात्म के किस ओर आप हैं,
और इसके बाद में ये तो एक जनरल जनरलाइज्ड टॉक मैंने की, लेकिन यदि वाकई में आपको ये जानना है कि अध्यात्म में तो आप आ चुके हैं, जागृत हो चुके हैं, आप सात्विक गुणों को आपने इस्तेमाल भी कर लिया है, लेकिन लेकिन आप अध्यात्म के किस तल पे हैं, यदि ये जानना है तो आपको रेगुलर बेसिस पर प्राणायाम, शक्ति योग, जैसे कि मैंने अपने वीडियो पे बताया है और उसका डिस्क्रिप्शन भी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शक्ति ओम तो एक विशेष प्रकार की का महाप्राणायाम है, नॉर्मल तरीके से भी ओम चैंटिंग आप कर सकते हैं, वीडियो हम उसका लिंक भी डाल दूंगा, वो सुनते हुए भी कर सकते हैं। इससे भी आपके अंदर में अध्यात्म की का जो प्रकाश है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आपको ये महसूस होगा कि आप किस तल पे हैं, स्वयं को कुछ मूलधारा, चाहे मूलधारा चक्र पे कुछ महसूस कर रहे हो, चाहे स्वाधिष्ठान चक्र पे, चाहे नाभि या मणिपूरक चक्र में, या नाहक चक्र में, या फिर विशुद्धि चक्र में, कहीं कुछ तो महसूस करेंगे। जहां जहां जितना महसूस करते जाएंगे, आप ये समझ लीजिए स्पिरिचुअली आप उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, सिंपल है ये। और प्रिसाइज मॉडल मैंने बता दिया, जिस समय आग्नेय चक्र से आगे सहस्त्र चक्र में भी आपको महसूस होने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अध्यात्म के एकदम हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। तो ये इस तरह से अध्यात्म के साइन और सिंबल को मैंने अपने तरीके से समझाने की चेष्टा की है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रोग्राम, यह अंतिम है अध्यात्म के, लेकिन यदि कोई और प्रश्न हो जरूर पूछ सकते हैं, यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और कोई भी आपके मन में किसी भी तरह की भ्रांति हो, किसी भी तरह की कोई संशय हो, या अध्यात्म के लेके फिर कोई प्रश्न हो, तो बिना किसी हिचकिचाहट के कोरा स्पेस पे या मेरे ईमेल पे डायरेक्ट, यदि परिवार या कपल से रिलेटेड आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी प्रश्न हो जिसे आप पब्लिक फोरम में पोस्ट नहीं करना चाहते हैं, उसे आप मेरे पर्सनल ईमेल पे पोस्ट करिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं नाम को चेंज करके उसका उत्तर देने की चेष्टा करूंगा और शायद सोल्यूशन भी दे पाऊंगा। यदि आपके मन में वेदों के बारे में या श्रीमद् भगवत गीता के बारे में भी कोई संशय है, या किसी चैप्टर में, किसी वॉल्यूम में, किसी श्लोक में, या वेद के किसी मंत्र में किसी भी तरह का संशय है, ये समझ में नहीं आने की एक अवस्था है, तो भी मैं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैठा हूं और उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगले एपिसोड यानी 15th एपिसोड में एक नए प्रश्नावली के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शक्ति ओम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।